आज हमारा ब्रेकफास्ट मफिन्स इडली वड़ा सांभर आलू भजी पूरी ऑनियन उत्तपम शीरा है आज वो परावा का चटनी कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड ब्रेड ये क्या पपे मिक्स मिक्स फ्रूट जूस और पाइनएप्पल कट पाइनएप्पल और वाटरमेलन। हे गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए अभी 9:30 और हम लोग मुरुडेश्वर अभी जा रहे हैं। मुरुडेश्वर से हम लोग बैंगलोर निकल जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट रिक्वेस्ट हो गया। देखो हाँ ये ऋषा बोल रही है कि मैं ऋषा ओके और मैं एकांश ओके चलो अभी चलते हैं मुरुडेश्वर। हमको अभी दिखा रहा है 3 घंटा 160 किलोमीटर। तो चलते हैं। ऋषा का थोड़ा सा तबीयत खराब था तो इसलिए मेडिसिन ला के रख रहे हैं। तो रीना गई है मेडिकल्स लेके आ रही है मेडिसिन, पता नहीं मिला कि नहीं मिला। क्या ये दिए? देखो लैक्टिक एसिड इकोनॉम नहीं था। हाँ स्पोर्ट लैक ओके ओके ठीक है। रीना जो मेडिसिन लाई थी वो जेनरिक कुछ था, मैं इकोनॉर्म मंगा लिया हूँ लूज मोशन के लिए। गए हैं दूसरे दुकान पे। देखो ऋषा जाके टेबल के ऊपर बैठ गई है उधर दुकान में। उडुपी पहुंच गए अभी, 40 किलोमीटर कुंदापुरा है और कम से कम 100 किलोमीटर है मुरुडेश्वर। सो और 1 घंटा 40-45 मिनट लगेगा। रोड काफ़ी अच्छा है, NH 66 है ये। वेदर भी गर्मी वाला मौसम है। वरवंते बीच बीच घूम रहे हैं अभी। देखो सब लोग खेल रहे हैं। ढेर सारा फोटो खींच के पूरा पसीना पसीना होके हम लोग वापस आ रहे हैं अभी। ये है मरवंते बीच। मरवंते बीच का खासियत है कि ये लेफ्ट साइड सी है और राइट साइड रिवर है। ये देखो सी, ये साइड में रिवर। मुरुडेश्वर पहुंच गए हैं जस्ट मंदिर से 5 मिनट पहले। पूरा जबरदस्त जाम यहाँ पे, हम लोग अभी 10 मिनट से खड़े हैं। फाइनली हम लोग मुरुडेश्वर टेंपल का एंट्रेंस दिख रहा है अभी, लेकिन जाम में फंसे हुए हैं। नेत्रानी आइलैंड को लेके जाते हैं लोग यहाँ से, फिर आपको स्कूबा डाइविंग करवाएंगे। टेंपल पहुँच गए, गाड़ी पार्किंग कर लिए। ये एंट्रेंस है, साइड में समंदर मंदिर, ये आगे अपना शिव का स्टैचू रहेगा, इसके पीछे मंदिर के पीछे ये शिवा टेंपल जा रहे हैं हम अभी। ये मेन टेंपल है और ये तो बाद में बनाए हैं ये लोग। ये है मेन टेंपल, देखो ब्यूटीफुल है बीच। बोल
दर्शन हो गया। हम लोग अभी ये नवीन बीच रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। अभी बीच के बाजू में ये एकदम, ये देखो ये ड्राइव इन बीच है। यहाँ से जो स्नॉर्कलिंग के लिए लेके जाते हैं नेत्रानी एडवेंचर वाले, यहाँ से बोट जाती है। तो यहाँ पे सब वाटर स्पोर्ट्स है। ये ड्राइव इन बीच भी है, आप अगर देखोगे तो गाड़ी भी ये रखा हुआ है इधर बीच के ऊपर, बालू में फंसता नहीं है ये। तो वो नवीन रेस्टोरेंट से वापस आ गया है, इतना अनहाइजीनिक था वो पूरा, एकदम सब्जी वब्जी सब गिरा हुआ था। नहीं गंदा था, हम लोग निकल जा रहे हैं। हम लोग मुर्डेश्वर से निकल गए अभी दर्शन वर्शन करके, अभी हाईवे टच करेंगे NH 66, फिर बैंगलोर निकल जाएंगे और उससे पहले थोड़ा सा लंच करेंगे। अभी जैसे ही रोड टच करते हैं मेन हाईवे, हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट खोज के खा लेंगे। एक है इसका कुलचा और पनीर कढ़ाई आ गया, और एक इसका फिश एंड चिप्स। हम लोगों का साउथ इंडियन और थाली, और हमारा साउथ इंडियन थाली आ गया, राइस कर्ड, एक सब्जी, रसम और दाल और सांभर, पापड़, रोटी और चावल। खाना वाना हो गया हमारा। ये था हमारा रेस्टोरेंट कामत रेस्टोरेंट, मुर्डेश्वर जाने के लिए जो जंक्शन पे है वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। खाना ठीक ठाक है, मतलब मील्स भी सही था, कुलचा और पनीर भी ठीक था। हम लोग अभी बैंगलोर निकल गए हैं। मुर्डेश्वर से जाने के लिए दो रास्ता हो सकता है, आप अंदापुर होके फिर बिल्लूर होके हासन होके जा सकते हैं बैंगलोर, या तो आप NH 66 से थोड़ा दूर जाके NH 69 के लिए टर्न ले लीजिए और वो जाके रानी बनोर में टच करता है दावनगिरी के पास। तो फिर उसके बाद वो AH 43 लेके आप बैंगलोर जा सकते हो दावनगिरी। तो हम लोग आज अभी NH 66 से NH 69 टच करेंगे, अभी 23-25 किलोमीटर्स के बाद। उसके बाद हम लोग ओनावर से हम लोग राइट ले लिए। अभी ये NH 69 है, अभी और ये 57 किलोमीटर तो बहुत कम से तपुर्स हो रहा था। ओके सो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस रोड फॉर 57 किलोमीटर्स। हम लोग अभी 5
5 किलोमीटर है भटकल सिद्धपुर सोराबा हाईवे पकड़ने के लिए, वो रोड जाएगा और NH 43 को टच करेगा तो रानी बेनूर में। तो ये रोड पे, ये रोड काफ़ी सीनिक है और रोड भी काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरे को, हालांकि ये डबल रोड है मतलब फोर लेनिंग नहीं है, बट रोड अच्छा है तो काफ़ी सीनिक भी है, जंगल के अंदर से आता है पूरा। और दूसरा चीज़ ये है कि ये रोड पे जॉग फॉल आता है, तो किसी को अगर वाटरफॉल देखना है तो ये जॉग फॉल में भी रुक के जा सकता है। फाइनली हम लोग बैंगलोर, बॉम्बे बैंगलोर हाईवे पकड़े, तो फाइनली बैंगलोर वाला हाईवे पकड़ लिया हम लोग, बॉम्बे बैंगलोर हाईवे। ये रेगुलर रूट है अपना, तो अच्छा रहेगा ये। अभी और 5 घंटा दिखा रहे हैं, उसके फिर हम लोग एक डिनर ब्रेक लेंगे, तो 6 घंटा लग जाएगा, रात को मोस्ट ऑफ 1 बज जाएगा। खाना खाने के लिए रुक गए, अभी 9:30 बज गए, अभी 9:20। खाना आ गया, बेबी कॉर्न चिली, मशरूम फ्राइड राइस, दाल खिचड़ी। हम लोग खा रहे हैं मशरूम फ्राइड राइस और बेबी कॉर्न चिली, रीना का दाल खिचड़ी। रिशा खाना खा लो, उसको कैरेट नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, खाली राइस खाना है। चलो गाइस, ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हम लोग पहुंच गए, अभी रात के 1:30 बज गया है, टोटल मुरुडेश्वर से बैंगलोर कुछ 464 किलोमीटर हुआ, 464 किलोमीटर था। और ये टोटल जो हम लोग अभी गए थे तो राउंड ट्रिप का कुछ 1200-1300 किलोमीटर क्लॉक किया हम लोग। मुरुडेश्वर मेरे को 10 आवर्स के आसपास, 9 to 10 आवर्स लगा, विथ 2 ब्रेक्स, लंच और डिनर ब्रेक लेके। सो तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट डाल दीजिए कि कैसा लगा आपको, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो मैं बताऊँगा। टिल आई कम विथ नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ साबी साइनिंग ऑफ।